सब्सक्राइब कीजिए आहा लाइफ यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वाइट बटर यानी घर के बने सफ़ेद मक्खन से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, घर के बने हुए सफ़ेद मक्खन में विटामिन ए और विटामिन ई और कुछ फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मक्खन में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण अक्सर वजन बढ़ने के डर से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन पीले मक्खन की अपेक्षा घर में बना हुआ सफ़ेद मक्खन कैलोरी में काफ़ी कम होता है और अगर इसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मक्खन में कई ज़रूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा गाजर के बाद मक्खन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मार्केट से मिलने वाले बटर की तुलना में घर का बना हुआ वाइट बटर ज़्यादा पौष्टिक होता है। यह दूध से सीधे निकालने की वजह से बॉडी इसे जल्दी पचा लेती है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं होने से ये पीले मक्खन की तुलना में ज़्यादा सेफ होता है। इसमें सोडियम की मिलावट ज़्यादा नहीं होती, पानी ज़्यादा होता है और घर में बने मक्खन का सेवन करने से सेहत संबंधित कई गंभीर समस्याओं से भी बचाव होता है। आइए बात करते हैं वाइट बटर से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। वाइट बटर बच्चों के दिमागी विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सफ़ेद मक्खन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और फैट बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही बच्चों की आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों की आंखों की रोशनी बनी रहे इसलिए उन्हें दूध और मक्खन ज़रूर खिलाना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में बेहद फ़ायदेमंद होता है। मक्खन में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसलिए दांतों और हड्डियों से जुड़े रोग, खासतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में सफ़ेद मक्खन का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर को कैल्शियम सोखने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है और मक्खन में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए विटामिन डी की कमी वाले लोगों को इसे नाश्ते में ज़रूर खाना चाहिए। कैंसर से बचाव करता है। मक्खन में मौजूद फैटी एसिड कैंसर से बचाव में बहुत मददगार होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने के कारण यह कैंसर या ट्यूमर से रक्षा करता है। इसके अलावा ये त्वचा की फ्री रेडिकल से भी सुरक्षा करता है। दिल की सेहत दुरुस्त रखता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार जो घर में बने मक्खन का सेवन करते हैं उन्हें दिल के रोगों का खतरा आधा रह जाता है। इसमें विटामिन ए, डी, के टू और ई के अलावा लेसिथिन, आयोडीन और सेलेनियम जैसे तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। थायराइड के इलाज में फायदेमंद होता है। सफ़ेद मक्खन में आयोडीन की मात्रा अधिक होने के कारण ये थायराइड के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए थायराइड ग्लैंड के कामकाज और इसे मजबूत बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी आपसे एक यूज़फुल टिप के साथ। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।